तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम टकोदी गल। टकोदी गल दे विच तुसीं म्यूनसीपल काउंसिल दी तरफ दा जिहड़ा बनाए गए दे वार्ड नंबर 9 दे विच एक बाथरूम जिसे अस बाथिंग गार्ड भी अस आखी सकने आ उहदी तस्वीरां तुसीं दसने की कोशिश करगे। ये वार्ड नंबर 9 दे विच जिहड़ा कम्यूनिटी बाथरूम जिहड़ा है बनाया गया दा और ये रियासी दे जिहड़े लोग न इसी आई आने जाने वाले राहगीर जिहड़े न इसी इस्तेमाल च आ नहीं सकते हे, लेकिन बदकिस्मती उन्हें लोगों की जदों का जिहड़ा बाथिंग जिहड़ा बाथरूम जिहड़ा बनाया गया है ये जिहड़ा सपुरद लोगों की नहीं किया गया है। ये उपर जिहड़े ने लखां रुपये जिहड़े ने लाए गए हैं पिछले 5 वर्षों तो अस इहे इसी कंप्लीट होए दा अस दिखा दे, लेकिन ये तक जिहड़ा है चली नहीं पाया है और लोगों की कोई भी यदा फायदा नहीं मिली पाया। तुस दिखी सकते कि जिहड़ा अंदर जिहड़ा मटीरियल जिहड़ा समग्री जिहड़ी सारी इहदे विच यूज होने वास्ते जिहड़ी बनाई गई वह सारी तैयार है। टाइल पूरी अच्छी तरीके लाई गई है, दरवाजे भी जिहड़े ने अच्छे तरीके लाए गए हैं, मोटर फिटिंग या वाटर टैंक जिन्नी भी सारी फैसिलिटी होंगी वह सारी इतने जी प्रोवाइड जरूर की गई है, लेकिन अज दिन तक ये सपुरद नहीं किया गया। ताला इतने बिल्कुल अजे तक लगे दा है, सिर्फ इको बाथरूम की हालात ऐसी नहीं है, जिहड़े और भी जिहड़े बाथरूम जिहड़े ने तैयार हो चुके हैं उनकी भी हालात जी कुछ इे नहीं है। कई जो फंक्शनल उनकी सुध बुद्ध जी है वह नहीं म्यूनसीपल काउंसिल ले पा दी है और जरूर अपनी कुदै ना कुदै जी कमियां जरूर दसने की कोशिश जरूर करा दी है। ये म्यूनसीपल काउंसिल ने जेड़े रियासी के वार्ड नंबर 9 के जोड़ा है जोड़ा बनाया है ये लखा रुपये जोड़े ने 12-13 लाख रुपये के करीब जी कास्ट जी है उस दौरान की जी दसी जा रही है। तो ये सामने तुम दिखी सकते हो कि जी प्लेट है ये सामने दर्शाया गया है कि 2020 9 महीने से जोड़ा है तैयार करिए इतने लाया गया है। ये वार्ड नंबर 9 का यह नज़ारा है और ये मेन रोड है जिहड़ा जिहड़ा आर्मी जिथे साड़ी इत्थे रैड़ा जिथे आर्मी डिब है उत्थे भी ये रोड कनेक्ट और काफ़ी ज़्यादा आबादी जिहड़ी है इस बाथरूम के उपर गै कुदै ना कुदै जिहड़े आने जाने वाले लोग न डिपेंड जरूर हे। ये लोग नहाने वास्ते भी इसी इस्तेमाल करी सकते हे और जिहड़ा जिहड़ा फायदा जिहड़ा इस बाथरूम जिहड़ा दे सकदा हा, लेकिन इस बाथरूम का जिहड़ा है पिछले कई सालों का जिहड़ा फायदा कुसै की भी नहीं दिखने की लब्भा दा और इत्थां दे जिहड़े म्यूनसीपल काउंसिल दे जिहड़े वार्ड मैंबर न वार्ड नंबर 9 दे योगराज और उंदा भी आखना इहो है कि असें तैयार करी ओड़े दा और जल्द कोला जल्द अस इसी जिहड़ा फंक्शन करगे, लेकिन वह जिहड़े न वह भी असमर्थ जरूर साबित होए दे न। और इहदे कन्नै कन्नै अगर गल करचै ते 9 दे गै जिहड़े योगराज होर न वह जिहड़े न वाइस चेयरमैन भी हैं म्यूनसीपल काउंसिल दे और अपनी गै काउंसिल दे अंदर वार्ड दे अंदर बनाए गए इस बाथरूम की सुचारू तरीके कन्नै चलाने विच असमर्थन। लगातार ये बिल्डिंग जिहड़ी है डैमेज होई जा रही है, एक भी दिन जिहड़ा है बाथरूम कुसे दे सपुरद जिहड़ा नहीं किया गया, कुसै ने भी अज दिन तक इहदा फायदा नहीं लिया है, जिहदी वजह कन्नै म्यूनसीपल काउंसिल का यह नया पैसा जिहड़ा है वह व्यर्थ जिहड़ा होंदा ही जरूर लब्भा दा। हुण अगर इस लिंक की गल करचै एक गली की गल करचै तो चौतरफा तुस मकान दिखी सकते कि म्यूनसीपल काउंसिल के अंदर कितनी ज़्यादा आबादी होंदी है, ताहीं ते काउंसिल जिहड़ी है घोषित की जाती है। हर पास तुसें की गलियां नुक्कड़ा अच्छे तरीके ने लभगन, इत्थे मकान जिहड़े ने बड़े अच्छे तरीके कन्नै बनाए गए हैं, लेकिन हुण इत्थे जिस तरीके कन्नै सोचे दा हा कि इत्थे बाथरूम जिहड़ा है आम लोगों की जिहड़ी है सौगात देग आम लोगों की इहदा फायदा जरूर होग, लेकिन सरकारी पैसा लाने के बावजूद भी आम लोगों की फायदा जिसलै नहीं लब्भे तो जरूर उस डिपार्टमेंट की जिहड़ी है किरकिरी या खिचड़दानी जिहड़ी है होना शुरू ही होंदी है। हुण म्यूनसीपल काउंसिल इहदी जरूर जिम्मेदारी लै कि पिछले दो तीन साल तो इसी बनाया गया है बिल्डिंग भी बनाया गया तो सपुरद आखिरकार क्यों नहीं की गई जिन्हें लोगों बनाई गई है। लखा रुपया जिते जिहड़ा है वह इतने लाई दिता गया, लेकिन वो बाद भी लोग तुंदियां जिहड़ियां कमियां जरूर कड़ी कड़ी दसना शुरू करी चुके हैं। न्यूज़ 18 नैटवर्क आस्ते करणदीप सिंह रियासी वार्ड नंबर 9। न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम टगोदी गल च तुंदा स्वागत है। तस्वीरें तुस दिखा करदे हो, इसलिए मैं तुसें दसना चाहंग कि यह हीरानगर का सरहदी इलाका है कोटपुनू जिहड़ा मढ़ीन तहसील के पिछ पौंदा। तुसें सनाउड चे इत्थों दे एक स्थानीय जिहड़े एग्रीकल्चर टैक्नोक्रेट अस आखी सकने आ विक्रांत होर ने और एक बड़ी गल तुसें सनाउड चे कि यह सरकारी जॉब भी करदे ना, ओहदे कन्नै कन्नै कुतै ना कुतै जिहड़े तुस खेत्तरें तस्वीरें दिखिया कि इन्हें स्ट्रॉबेरी राही दी है और तुस दिखा दसना चाहंग कि कियां जिहड़े ने इन्हें
ये तो स्ट्रॉबेरी दिखा करते हो कि ये कोई बाहर की वरायटी है कि ना की वरायटी का विंटर डॉन जी वरायटी है ये इतने है और मैं लगता कि जिला कठुआ च पहला शख्स ने जिन्हें यह चीज़ लाई है। विक्रांत होर भी साढ़े कन्नै जुड़ा करते हैं, आइए गल करने विक्रांत होरें पुछने कि कियां इहदे माइंड च आया कि एग्रीकल्चर अपनी उहदे कन्नै जुड़िया जाए। जी नमस्कार सर, विक्रांत शर्मा मेरा नाम है जी। अस खेतीबाड़ी के बड़े धान कणक बड़ी पीढ़ियों के करते आए हैं तो ये सूँ कुछ क्यों कि कदा ऐन पी जाती तो कुदा फसलां खराब होआ दियां तो उहदे विकल्प के तौर पर असें कुछ नवीं चीज़ शुरू की है। मैं शुरुआत की एग्रीकल्चर को, पर जिसलै स्कीमें का लाभ हार्टीकल्चर आया तो मैडम हार्टीकल्चर ने सानू एच डी ओ मैडम ने बोलिया कि तुम इधर लाओ आओ, असें शुरुआत कर दी पिछले साल और सानू बड़ा बेनीफिट होया, पूरा लाभ मिलिया ये और उधर सपोर्ट करना हार्टीकल्चर की सपोर्ट करना एग्रीकल्चर भी चलाने निरंतर दौड़ाने क्योंकि लाकडाउन वर्क फ्रॉम होम भी करने का मौका मिलिया तो उदा टाइम का सदउपयोग करते हुए असं अपने खेत इन्वेस्ट भी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करने जी। बावजूद मैं ये आखना कि काम का घाटा नहीं है, मेरे देखो दो मेरे साथी ने एक साथी छुट्टी पर है दो इतने मेरे साथी ने नहीं मैं जियां मैं ट्रेनिंग सीखी ऑनलाइन सीखी है जां मैं साल जरूर जाना उन्होंने करन छुट्टी ली है वह फिर मैं नहीं अगर ट्रेन करना होना ट्रेन करिए फिर ये मेरे आखने पर चलते हैं तो फिर बिच बार आपू भी चक्कर लगी घर जल्द लगता तो उसलै अपनी कमियां शामियां पूरी करिए कड़ी रहने दी पूरी करते। मैं पूछना चाहूँगी जी वरायटी तो ना सुनाया कुत्थे कुत्थे होंदी है और किन्नी जल्दी तुस तैयार की है? सर ये विंटर डॉन वरायटी है ये असें लगभग नवंबर एंडिंग असं मार्केट में इसी ली आता मगर हूँ इसलिए पीक पर चला दी है। विंटर डॉन के अलावा असें इसलिए कैमारोजा लाई दी है नावीला लाई दी है तो एक स्वीट सेंसेशन वरायटी है असें चार वरायटी में कम कराने हैं मगर विंटर डॉन सब तो अर्ली आई और कठुआ मंडी साढ़े कोट पुन जो साढ़े का माल सारे को पहले पिछले साल भी पुजा हा इस बार भी कठुआ मंडी साढ़ा गए पुजा माल लोकल। अगला के प्रोजेक्ट अगला प्रोजेक्ट है सर फोर लेयर फार्मिंग शुरुआत उद्दे को हल्दी की फसल ली है तो उसके बाद धनिया भी बोए दा उसके उपर बेलां चाड़ियाँ बेलें में असें कुंदरू लिया फिर वो लिया घिया लिया लौकी ली फिर फोर्थ लेयर साड़ी ही पपीते की वह साड़ी सक्सैस नहीं हुई पाई तो उस मैं ट्रेनिंग की आकाश चौरसिया बड़े मशहूर जैविक खेती दे और फोर लेयर दे मॉडल दे जिन्हें तैयार किया है उनके को एम पी जी है और उनका सेम मॉडल मैं तैयार किया और इस बार मैं कोशिश करनी किसी और सुधार किया जा बाकी मेरी जी टीम तैयार हो गई है। तुम्हें पता सरकारी नौकरियां नहीं हैं तो बड़े सारे युवा जो नौकरी पिछले अपना समय जो एक किस्म का बर्बाद गै करी उड़ते के स्नेहा रोग तुम्हारी तरफों नहीं मेरी तरफा स्नेहा यह रोग कि जे एक सरकारी नौकरी वाला भी खेती करा दा तो यह देखो कि दो एकड़ जमीन है इस दो एकड़ बिच मैं अगर इसी पूरे तरीके कामयाब करा तो 10-15 लाख रुपया कुदा नहीं जाता अगर पूरी अगर मैं इतने दो बंद तनखा हो तीन बंद तनखा कटना पूछ लो इस मुड़े 15,000 रुपया तनखा इसकी 13,000 रुपया तो मिगी नहीं लगता कोई सरकारी नौकरी इन्नी जल्दी डाक पर इन्नी जल्दी इन्नी तनखा मिली जाती कुसे की जां कुसे कोई भी बंदा जिहड़ा शुरुआत च लगा है ना अजकल 6,000 रुपया पर क्या उदूं बैटर नहीं सीखना चाहता थोड़ी मेरे को लोगों नहीं आखना कोई सीखो पर मेरे को इन्हें दो बंदे सीखा इन्हें मुड़े ने इस बार भिंडी लाई दी है इतने काम भी करा रहा ए आखा मैं हूँ अजकल भाई कोई काम नहीं करना कुसे घर नहीं करना पहले मजदूरी करता मर उन्हें मजदूरी करता आखिर जहाँ अपना काम या इतना सीखना इतों चिक्किए पैसे मिली जाने घर एक एक्स्ट्रा बिजनेस चली पाना मतलब अपने पैर पर स्टैंड हो गया मुड़ा यह बंदा बिहार का यह ऑटो चला लाकडाउन चाहता भी फेल हो गया काम तुसा देखा कि विक्रांत होर आखे कि अपनी खेती करिए भी जो लोग ने परिवार चलाई सकते हैं गल करने हैं जी क्या नाम है? हमारा नाम मिंटू है। मैं बिहार में काम करते थे ऑटो चला रहे थे लॉकडाउन में तो मेरा जो पूरा गाड़ी भी खिंचा गया इतने काम करा रहे हो? मैं इतने राहुल जी अभी 5 महीना हो रहा है बढ़िया काम चल रहा है मैं और लोगों ही करना ज्यादा काम है न लोगों ही करना है ज्यादा काम और जो है काम भी करना मिलती है तनख्वाह मिलती है तनख्वाह मिलते हैं हमको 13,000 रुपया और काम भी हम करते हैं सीख गए हैं थोड़ा थोड़ा काम बचा है अब अपना करेंगे। बिल्कुल इन्हें भी सुनाया कि इतने सिखा करते हैं काम के कन्ने कन्ने ट्रेनिंग भी करा करते कन्ने तनखाह भी लाया करते हैं। आइए कुछ और साथी एक और भी आने गल करने जी के नाम मेरा नाम अंकुश मोहत्रा है। अंकुश जी कुछ काम करते जी मैं पहले मैं दहाड़ी दूड़ लाता हाँ तो बस जिन्हें वीरो ने अपना प्लान शुरू किया बस इस प्लान च लगी मतलब कि स्ट्रॉबेरी लाई स्ट्रॉबेरी लाई तो उनका शैल काम चली पाया तो उसके कन्ने हल्दी का लाया मतलब कि प्रोजेक्ट लाया तैयार हो पाया अगे कनूरी हुई मतलब कि घिया हो गया बड़ा कुछ आ मतलब कि 3-4 चीज़ा धनिया हो गया बड़ा कुछ आ मतलब कि इन्हें कन्नै मैं बार बार दिहाड़ी लाता कुछ
मी एक रोजगार मिली है जी। हुण जी अपना काम कर रहे सारे करना चाहते हाँ जी क्यों नहीं, क्योंकि मैं इंदे नाल सीखी सीखी मैं अपना भी मतलब काम खोली लिया, थोड़ा भिंडी भुंडी लाने लगी पे इधर अपना, मैं चलो एक्स्ट्रा मेरा बनी गया कुछ जुड़ना चाहता लोगों। हाँ जी हाँ जी खेती करने जुड़ना चाहता जी। बिल्कुल इन्हें भी गलाया कि इतना काम करते ना, और पहले अपना काम घर का भी करते हैं अगे पिछले ध्याड़ियां लाते हैं, लेकिन जदों का विक्रांत हो रहे हैं अपना चलाया ये दो लोग जो इतना काम करते, एक तो उन्हें सुनाया कि छुट्टी बनना, लेकिन कुत सरकार आखती है कि आत्मनिर्भर बनना है, उंजा के आत्मनिर्भर बनी है, रोज़गार के अवसर भी लोगों वास्ते नौजवानों वास्ते पैदा करा, और उम्मीद रखने कि बाकी सारे नौजवान युवा जोड़े ने पढ़ी लिखी देने और नौकरी तलाश दर बदर होआ करते हैं, सरकारी नौकरी तुसें पता नहीं लुभा नहीं करती है, वह भी कुदा ना कुदा विक्रांत उन्दे कोला सीख लईए अपना कारोबार चलाई सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तों चरणजीत सिंह। अज अस तुसें गी लिया आए सांबा जिले के ब्लाक सुंब यानी कंडी ब्लाक दे विच लिया आए, और इसलिए अस पटियारी पंचायत दे विच खड़ोते हैं, और वार्ड नंबर 13 जलापर महल दे विच खड़ोते हैं। तुस मेरे पिछे तस्वीर देख सकते हो, महल्ले की एक रस्ता जाता है कि जोड़ा रस्ता काफ़ी समय पुराना रस्ता, और काफ़ी संख्या लोग जोड़े ने इतने रोते हैं, लेकिन लोगों की बड़ी दिक्कत आवा करती खासकर इस रस्ते के लिए। इस वक्त ही मैं तुम्हें ये दसना चाहंग, तुम देख सकते हो कि एम जी नरेगा के तहत इतने काम किया गया, अर्थवर्क जोड़ा वो किया गया, जो बोर्ड जोड़ा लगे दा, लेकिन अर्थवर्क मात्र खाना पूर्ति की गई इन लोगों का गलाना, और साढ़े कन्ने लोग भी बने ने इंद कन्ने अस गल करचै कि कुछ दिक्कत आवा करती और किन्ने समय पहले दिन की जी दिक्कत आवा दी के ना समान भी घरा ढोना, इट रोड़ा दा सड़का चुकी सिर घरा ढोना, रस्ते का कोई हल गई नहीं हुआ, एक बारी आए थे छड़ी जेसीबी फेरी उन्हें आओ ते इं सड़ा वो किता पदरा जेसीबी फेरियै ते बस फ्ही बरसांत पेई ते परतियै खोले पेइये। हुण तुस इत्थुआं लेइयै दिक्खी सकदे इन्ना पिंड ऐ जां इन्ना म्हल्ला ते कोई रस्ते दा कोई हैनी नहीं, जिन्ने भी आंदे ना सब इ'यै आखदे हां जी थुआढ़ा रस्ता बनी जाग बनी जाग जी बनी जाना, एह् नेईं कम्म लग्गी जाना। ते जियां एम एल ए साहब होर बने हे ते अस भी आखदे हे हां चलो हून साढ़ी भी होग, उ'नें बी नहीं ओह् आए ते उ'नें बी साढ़ा रस्ता दस्सेआ, उ'नें बी कक्ख भी कीता ते नेईं गै, होर बी कुसै ने कक्ख नहीं कीता ते नेईं गै। एह् बोर्ड लग्गे दा इक जेह्ड़ा तुस एह् दिक्खा करदे हो, ये ब्लॉक सुंब पटियारी पंचायत कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जलापर महला, एह् रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट की बखे गए स्कीम एम जी नरेगा के तहत बनाया गया, ये जोड़ा ये काम किया गया हा, क्या उस काम कनिया काम किया गया हो कि अज कुछ भी नहीं लभा करता? कख भी नहीं है छड़ा ये बनाया तो उन्हें जे सी बी छड़ी फेरी छड़ी इं पदरी कीती मिट्टी मुट्टी पुट्टी ते बस उठी गए भी फ्ही बंद कर लिया। जदों का एक ग्रां थोड़ा इतने बसे दूंगा इसी रस्ता नहीं बनया ना, कोई रस्ता नहीं बनया तो नहीं गए इतों लेइए तो फ्री जत जा वो जल्द बरसात आती तो गोडा गोडा पानी तो चिक्कड़ा जा असें लंघने पौंदा, स्कूली बच्चें भी बड़ी दिक्कत, स्कूली बच्चें के सारे ही है उन्हें बेचारे स्कूली बच्चें केह करना ते केह नहीं, असें इन्नी मुश्किल होंदी हद कोला ज्यादा। बिल्कुल इन्हें जो दसाया कि बड़ी सारी परेशानी जी इन्हें आँदी है रस्ते के लिए, खासकर इं सक होर भी इतों के स्थानीय निवासी बने इन गल करचै कि ना थोड़ा लेखराज। लेखराज जी क्या तुम्हें कि सारा रोड बना है कुछ तुम्हारी तुम्हें मांग की है तो क्या लगता कि नहीं थोड़ी बखी ध्यान दिता जा करना? जनाब गलबात यह लेकिन पैसा आता गौरमेंट का जो 2 लाख या 50,000 ठेकेदार लाना 50,000 अलग 50,000 लाना बाकी 1.5 लाख खाई जाना वैसे उन्हें उनका ठेकेदार यह काम है जे सी बी मार सेहत मार करनी तो बस मेरे पास निकल जाना अपना बिल कढ़ाया जल देना तो यह काम ही है और एक पास डायरेक्ट निकलना दूए पास है नहीं जाता है। हाँ कोई बहुत ज्यादा स्कूल की बड़ी बच्चे दिक्कत है, पंजवीं का स्कूल है साढ़े ग्राए बने का एक वो भी अलग बच्चे अलग लोग लंघ नहीं देते महल्ले हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो वोटें की बारी आती है चाहे पंच सरपंच चाहे डी डी सी पी डी सी बने और बाद एम एल ए के भी वोट जो पहले पे क्या तुम्हें मंगा चुकी हैं अपनी की सारा रोड सारा कुछ दस्या कोई दिक्कत है मतलब स्कूल की दिक्कत है रस्ते की दिक्कत है कोई आते छे वोट लेंदे तो निकल देंगे बस ये काम करते कि तुम के डी सी मैडम की अपील करके सामान बस अ रोड की बड़ी परेशानी है। हाँ जो समान को लेना पौंदा है वो समान सिर ढोइए घर पहुंचाने पौंदा है। रोड बनी है तो कितना ज्यादा फायदा होता है? बहुत ज्यादा फायदा होता है रोड बनी है। स्थानीय निवासी जिंदा यह गलाना है कि रोड की जी बड़ी सारी
आवा करती खासकर पटियारी पंचायत इसलिए जलापुर महल अस खड़ोते हैं। तुस मैं तस्वीरें बच्चे एक और तुम्हें परतिए दसना चाहगा, ये बस्ती जी दिखा करते हो मेरे पिछे, ये रोड की जी हालत है वह काफ़ी खस्ता है और कैंकरा जड़ा है वह पत्थर ने जोड़े बड़े बड़े वो निकली गए हैं रोड के बच्चे और कुछ समय पहले इंदा एक गलाना है कि कुछ समय पहले एम जी नरेगा के तहत इतने काम किया गया है लेकिन उस काम के सिर्फ खाना पूर्ति की गई और ये मंग करा करते हैं कि अगर बरसात की गल करचै जहाँ बारिश की गल करचै तो इन्हें लंघना जोड़ा बड़ा मुश्किल होता और खासकर स्टूडेंट की जो बच्चे स्कूली बच्चे की उन्हें बड़ी सारी दिक्कत जी आवा करती और लोगों जो है अपने ग्रां की उनेंगी इस रोड की लिए बड़ी परेशानी जी आती है और एज मंग करा करते हैं जिला प्रशासन सांबा के कि साड़ी बखी जा ध्यान दिता जा और साढ़े महल्ले की जोड़ा है रोड है जोड़ा वो बनाया जा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं शाम सुंदर। नमस्कार, टकोदी गल दे खास सैगमेंट ही तुसें सबने दा मता मता स्वागत है। कल जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक एसओ यानी कि स्टैचुरी ऑर्डर जड़ा वह कढ़िया गया जिदे च आखा गया कि जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स जड़ा वह लगना जा करदा और 1 अप्रैल 2023 यानी कि करीबन 1.5 महीने बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जड़ा देना पैना। पहले के सरकार ने आख्या हा और बड़ी जगह यही कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लाने का जो प्रक्रिया है उसके ऑर्डर जो जारी किया जाए पर यह उम्मीद नहीं है कि इन्नी जल्दी जो है प्रॉपर्टी टैक्स का जो ऑर्डर है उसी जारी किया जाए और कल जिया जारी किया गया उस तो बाद कई सारे उद्देश क्लॉज जो शामिल किए गए। सब तो पहले तो यह दस्योड़ चे कि जोड़े जिन्हें भी शहरी इलाके ने चाहे वह जम्मू है चाहे वह कश्मीर है शहरी इलाकों से पहले ऑर्डर जो कढ़िया गया जिद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ वास्ते 5% से 6% का जो क्लॉज है वह रखा गया जिद जिनी भी एनुअल टैक्सेबल वैल्यू जिद नौ अलग अलग फैक्टर जड़े न सरकार ने दसे न उसके मुकाबले च नौ फैक्टर जड़े मल्टीप्लाई होई के जड़ा एक क्लॉज बनांगन एनुअल वैल्यू एनुअल जी टैक्सेबल वैल्यू और उसके उपर 5% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 6% टैक्स जो लोगों ही देना पा। उस तो बाद अगर अस दसचे तो नौ फैक्टर कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिदे स्क्वेयर फिट कि एरिया उस तो बाद किन्ने फ्लोर हैं चाहे वह ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सैकेंड फ्लोर थ्री फ्लोर किन्ने फ्लोर का थोड़ा घर है या फिर कमर्शियल एस्टैबलिशमेंट है दुकान है या फिर प्राइवेट घर तुम यूज करा करते हो घर कि प्रॉपर्टी जी वैकेंट है इस तरह के कई सारे अलग अलग फैक्टर है उसके अलावा लैंड यूज टाइप ऑफ यूज इस तरह के नौ फैक्टर जो शामिल किए गए तो इन सारे जो नोटिफिकेशन ने कल रात की आई है अदू की लगातार उस टाइम तो लेकर अभी तक कई सारी अलग अलग प्रतिक्रिया जी है वह सामने आवा करती है। मनिया जा करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफा जल्द उनकी गवर्नमेंट की तरफा जल्द आदेश जारी किया गया तो भारतीय जनता पार्टी भी इसे सपोर्ट करे पर देखने की यह मिले कि भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर नेता है चाहे वह कविंदर गुप्ता हो बाकी नेता हो उन्हें यह आख्या कि ये जी है सरकार की थोड़ा वेट करना चाहिए और इस ऑर्डर की जड़ा फिलहाल की घड़ी रोकना चाहिए और उस तो बाद जो लोगों की जी जी फाइनेंशियल कंडीशन और थोड़ी स्टेबल होती है जियाँ इलेक्शन होते हैं या फिर अगर सरकार ही थोड़ा जियाँ कि पूरे दुनिया से देखा करते मंदी है जम्मू कश्मीर भी कोविड का लंबा समा रहा और उस तो बाद अगर अस गल करचे तो लोगों की काफ़ी परेशानी वजह करने सरकार की थोड़ा इंतजार करना चाहिए हालांकि इस ऑर्डर जरा निकली गया है पर उस तो बाद के कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का गलाना है वह भी तुम दस करते हैं। बीजेपी ने आख्या उसके अलावा जम्मू कश्मीर नैशनल पैंथर्स पार्टी वापस शामिल होए हर्षदेव सिंह होरें आख्या कि भारतीय जनता पार्टी जी है पिछों के करा करती है भारतीय जनता पार्टी जी है वह झूठ बोला करती है कि अस आखा करते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए उनके कि एल जी साहब हैं उनकी की सरकार है तो वह लवा करते हैं और इधर नुकसान जो है वह भारतीय जनता पार्टी की भुगतना पैना आम जनता जी है ये खिलाफ उत्ते अगर अस गल करचे तो कई सारे और नेता चाहे गुलाम हसन मीर हो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के इदे अलावा पीडीपी जम्मू कॉन्फ्रेंस अलग अलग पटे अलग अलग जो लोग हैं उनके तरफों अलग अलग तर्क जो आवा करते हैं। उत्थे अगर अस गल करचे तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसीएशन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी दी है जिद जे अध्यक्ष बार प्रेजिडेंट जड़े उन्होंने भी इदे पर जी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की उन्होंने आख्या कि जम्मू कश्मीर आम जनता जी है इन्नी कैपेबल नहीं है कि वह प्रॉपर्टी टैक्स दे सके और प्रॉपर्टी टैक्स देने वास्ते सरकार की पहले उस तरह के जो मापदंड बनाने चाहिए ताकि लोगों की इनकम जी है वह बधे। इतने अनइंप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है इतने लगातार अस दिखा करते हैं कि आम जनता जी है कई सारी और परेशानियां चला करती है एक तरफ डिमोलिशन ड्राइव सरकार चला करती है दूसरी तरफ अगर ये
प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है जिद लोगों की प्रॉपर्टी टैक्स देना पैना, तो यह सारे ऐसे आदेश हैं जिंद वजह करने लोगों की जड़ा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो यह सारी चीज़ा साफ तौर पर दस दें कि कई सारे ऐसे लोग हैं जोड़े कि ये को खुश नहीं हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की लिए अलग अलग प्रतिक्रिया जी है सामने आवा करती है। कई लोग कई ये भी बयान असं देखने की मिले कि प्रॉपर्टी टैक्स जहाँ बाकी स्टेटा च लगता है वो कई सारी ऐसी म्यूनसपैलिटीज़ हैं कौंसल्स हैं या म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वह जो फायदा है वह होता है। तो म्यूनसिपल कमेटी जन की जो डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो करने वास्ते आसानी च होंगी है फंड लगता है। बट लोगों का यह गलाना है कि जम्मू कश्मीर जरा बाकी स्टेटा करने अस कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अनइंप्लॉयमेंट के जी जी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर की स्टेटा चैन इंडस्ट्रीज़ बाहर की स्टेटा चैन ट्रेडर्स बाहर की स्टेटा चैन बट जम्मू कश्मीर जी है वो एक अलग अलग जरा इस कंडीशन है। इतने लोग जड़े ने इन्ने ज़्यादा अमीर नहीं हैं इन्ने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं। तो सरकार की रुकी के पहले देखना चाहिए कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या बदन इनकम क्या बदनी चाहिए लोगों की और कन्ने कन्ने के जड़े आम जनता से किस तरह और अस प्रोस्परस तरीके के जो रिसोर्सिज हैं उसी अस खंगाली सकी और साफ तौर पर सरकार का फोकस जरा प्रॉपर्टी टैक्स लाना जरूर है बट सरकार की सारी चीज़ें जरिए देखनी चाहिए। देखना यह हो कि सरकार इन सारी प्रतिक्रिया के बाद के कुछ बयान जरा वो देती है और के कुछ नवा डिसीजन जरा ये पर लेंदी है। हालांकि 5% रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और 6% नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इसे उन्हें टैक्स लाइट है पर लागू 1 अप्रैल तू करने की भी गल की जा करती है कि ये बदलाव करक सरकार ये नहीं करक ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल दे इजाजत और अगले एपिसोड देखने लिए इं बने रहो नेटवर्क 18। धन्यवाद।